गाइस तो कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आए हैं हमारे फार्म पर, खेत में। तो यहाँ हम कुछ दो चार मिनट का एक रिव्यू बनाएंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, दो चार बातें करेंगे नेचर के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में। जो गांव के बच्चे होते हैं उन्हें तो ऑलमोस्ट लगभग इसके बारे में पता होता है, जो शहर के बच्चे होते हैं उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। वे शहर में ही पले बड़े होते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता। गाँव के बच्चे तो यार नेचर के साथ जुड़े होते हैं, प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं। गाँव में रहना सहना आपको पता है, लेकिन जो शहर के बच्चे होते हैं उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो आज हम कुछ छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करेंगे, दो चार मिनट का ये रिव्यू है। तो कुछ ना कुछ जो शहर के बच्चे हैं उनको यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर देखें वीडियो को, कुछ दो चार डिस्कस हम करते हैं। चलो चलते हैं आगे। चाहे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, कितना अच्छा रिव्यू यहाँ का आ रहा है। जैसे आप देख रहे हो, आप कितना अच्छा लग रहा है, इतनी हरियाली यहाँ पर देखकर चारों तरफ। तो दोस्तों पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। जो आपको ये येलो कलर के जो फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये पौधा किस चीज़ का, इससे क्या होता है? तो दोस्तों ये पौधा है सरसों का, जिससे सरसों का तेल बनता है। सरसों का तेल कैसे बनता है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सरसों के बीज हैं। जब ये पौधा पककर अच्छी तरह तैयार हो जाएगा तो इनके अंदर से जो सरसों के बीज हैं वे निकाले जाएंगे, पककर ऑटोमेटिक इनसे बाहर आ जाते हैं। वो सरसों के बीज जो होते हैं उनको मशीनों के अंदर पीस कर उनसे कच्चा तेल बनाया जाता है, सरसों का तेल बनाया जाता है। तो दोस्तों सरसों का तेल जो है वो इसी से बनता है। अभी हम आगे चलेंगे। दोस्तों अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे व्हाइट जो फ्लावर्स हैं, अभी मैं बताता हूँ ये किस चीज का पौधा है, इसे क्या होता है। तो दोस्तों ये है धनिए का पौधा। आपने कच्चा धनिया तो देखा होगा, जैसे कि कच्चा धनिया इस प्रकार का होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। जब ये पौधा पककर सूखे धनिए में कन्वर्ट होने लगता है तो इस प्रकार के सबसे पहले इस पर इस प्रकार के फ्लावर्स आते हैं। जो ये फ्लावर्स होते हैं ना, ये फिर सूखे धनिए के जो आकार ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं, तो इससे बनता है सूखा धनिया, आप देख रहे हो। तो दोस्तों देखने में भी ये कितना अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हो। दोस्तों ये हैं गेहूं, इस प्रकार तैयार होते हैं गेहूं। तो ये अभी गेहूं पकने को तैयार हो रहे हैं, अगले महीने में ये पक जाएंगे और उससे अगले महीने में ये काट लिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और व्हाइट कलर का जो फ्लावर्स वाला एक पौधा दिखाई देगा। तो दोस्तों ये पौधा जो है ये धनिए का पौधा नहीं है, ये है मूली का पौधा। जब मूली पककर तैयार हो जाती है तो उसके सिंगरे लगते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये मूली है, ये जो है पक गई है। अब इसको इस प्रकार के जो फूल आते हैं और इसके बाद इसको सिंगरे लगेंगे, जिसकी सब्जी वगैरह भी बनाई जाती है। जैसे आप देख रहे हो अभी ये कच्चा पौधा है। चलो हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन है, जिसको पता है इसके बारे में तो कमेंट ज़रूर करना। आपने मुझे पता है गांव के जो बच्चे हैं, जो गांव के लोग हैं, वो तो इसके बारे में जानते होंगे और वो इसके बारे में ज़रूर बताएंगे, लेकिन जो शहर वाले हैं साथ ही साथ उनको ही पता लग जाएगा कुछ नेचर के बारे में, गाँव के बारे में। तो जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही है लकड़ी, ये अभी सूख गई है, तो आपको बताना है कि किस चीज़ की लकड़ी है। कुछ जो हिंट है वो आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा ये किस चीज़ की लकड़ी है। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको नई नई चीज़ें ऐसे ही
सीखने को मिलेंगी यहाँ पर, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।